आज हमारा आखिरी दिन है इधर मदीना में, और जाने को तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी जाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद दोबारा देखें कब चांस मिलता है। आप सबकी तरफ से और जितने भी व्यूवर्स हैं सबकी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लम को बहुत बहुत दुरूद सलाम। मदीना मुनव्वरा हो, मक्का मुकर्रमा हो, दोनों से जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन ऑफकोर्स जाना तो पड़ता है। यहाँ पर दिन रात आपको ये शहर चलता हुआ नजर आएगा, लोगों की चहलकदमी, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई मस्जिद में आ रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है। एक बड़ी खास जगह है जो आप जरूर विजिट करें, द इंटरनेशनल फेयर एंड द म्यूजियम ऑफ द प्रॉफिट्स बायोग्राफी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर बनाया गया एक म्यूजियम जो कि उनकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करेगा इंशाल्लाह। तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। मस्जिद कुबा, ये टिकट है जो आपको मिलती है 37 रियाल प्लस 10 रियाल एडमिशन प्लस सिनेमा टूर इन। कैमरा तो हमें अलाउ नहीं किया उन्होंने म्यूजियम में, लेकिन ये एक छोटा सा मैंने एक फ़ोटो उनसे पूछ के खींची थी कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं कि ये उन्होंने एक मक्का का ज़बरदस्त किस्म का स्केच तैयार किया, और इसमें बताया जाता है लाइट के साथ कि किस जगह पर रसूल पाक का घर था, किस जगह पर हज़रत उमर का घर था, किस जगह पर हज़रत अबू बकर का घर था। सब डिटेल्स आपको इस जगह पर मिलती है, तो ये म्यूज़ियम आपने ज़रूर विज़िट करना है। इस म्यूज़ियम के बारे में आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने पैक करके रखी हुई है, हत्ता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में, उनके चचा के बारे में, उनके पूरे ख़ानदान के बारे में की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस म्यूज़ियम के अंदर मिल सकती है। 37 रियाल में आप ज़रूर इसको विज़िट करें, और आपको हर किस्म की रसूल पाक सल्लम की ज़िंदगी, कैसे उन्होंने कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या उनके साथ वाकयात हुए, वो सब आपको इस रूम के अंदर, इस बड़े से जो पीछे मेरे एरिया नज़र आ रहा है, इसमें आपको मिलेगी। कैमरों ने अंदर हमें नहीं ले जाने दिया तो मैं आपको नहीं दिखा सकता अंदर क्या था, लेकिन बता जरूर सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मैंने विज़िट की है, और इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में। ज़रूर 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 विज़िट करें। डेस्टिनेशन होम, 13 hours 30 minutes अब मैं मदीना की हदूद से बाहर जा रहा हूँ, जो कि एक पता नहीं क्यों दिल एक उदासी फील करता है मदीना के हदूद से बाहर जाते हुए, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके का एक बॉर्डर बना हुआ है जिसकी छत पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, जो रात के वक्त फ्लैश करता है ग्रीन कलर में। जब एंट्री की थी तो उस टाइम रात का टाइम था। तो अब हम मदीना से बाहर जा रहे हैं, मदीना की मेन हदूद से बाहर। इन रास्तों पर आपको बहुत से ऐसे पहाड़ नज़र आएंगे जो कि फील होता है कि वो सख्त पत्थर के पहाड़ हैं, और यकीन करें इनको देख के बंदा सोचता है कि इनको अभी तो ये छोटे हो चुके हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम पहले ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इलाकों में सफ़र किया, इन सख्त जगहों पे। अभी तो हम एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर जा रहे हैं, गाड़ी पर, लेकिन उस वक्त के घोड़े और गर्मी आप सोच भी नहीं सकते, बल्कि हम में से कोई भी फील नहीं कर सकता जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए किया। तो इस वक्त ये अपने पहला स्टॉप किया है जो मदीना से निकलकर एक पेट्रोल पंप है, और उस पेट्रोल पंप पे जो हमें सबसे मज़े की चीज़ मिली है मतम रावलपिंडी पाकिस्तानी खाना। ये वैसे कमाल बात है कि आपको बहुत सारे पाकिस्तानी होटल मिलते हैं, सबसे मज़े की बात यही है इस पूरे रास्ते में। यकीन करें कमाल का जायकेदार खाना था, मज़ा ही आ गया, ऐसा ज़बरदस्त खाना यकीन करें याद रहेगा मुझे इंशाल्लाह। चाय और बेहतरीन खाना था, इसको मैं चट कर लिया अलहमदुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का खाना, कमाल करता रहा पंडिया, कमाल करता, बहुत मज़े का खाना। तो जी इन जितने भी ये चीज़ें ना, इनमें बर्फ़ है सराजा, देखें नहीं है लेकिन ये सलाजे वाले ही हैं। जब आपका सफ़र हो लंबा तो
आपको कुछ गोल सेट करने पड़ते हैं, और हमारा आज का गोल था मदीना टू रियाद। दूर दूर तक सहरा ही सहरा है, देखिए आप सोचे इस तरह कैसे हमारे नबी और जितने भी हमारे सहाबा और सब ऐसी जगहों पे ही ट्रेवल करके जाते हैं। भी बड़ी जोर की फ्लैश पड़ी है, ठाक करके बची है। अब देखते हैं बॉर्डर में जाके क्या होता है। बची बड़ी जोर की, लेकिन में आप ऐसे पेट्रोल पंप पहुंचते हैं जहाँ जो एक भूत बंगला टाइप पेट्रोल पंप, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अभी ये पेट्रोल पे खाली है, कुछ भी नहीं, पेट्रोल ही नहीं है इसमें, क्या करें। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो मैक्सिमम जो है ना फोर क्वार्टर टैंकी रखे अपने पास, नहीं तो ये रखे ना मसला आ सकता है। चलते हैं कोई नेक्स्ट पेट्रोल पंप रोकते हैं। गाड़ी बता दे कि 100 किलोमीटर रह गए हैं, तो लाजम रुके पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि सऊदी में कोई पता नहीं कि कहाँ पे पेट्रोल मिले ना मिले। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये क्या चीज़ है और ये किस जगह पर है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों ने। सबसे अच्छा ब्रांड जो पेट्रोल पंप का मुझे लगा है वो ये लिटर नाम का ब्रांड है। इस पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस खाने पीने की भी मिक्स मिल जाती हैं, और कार के सर्विस वगैरह का ब्रांड भी इधर आपको अच्छा मिल जाता है। कासिम पे रुके हैं मैकडॉनल्ड के लिए, असल मैकडॉनल्ड की कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट ब्रेक होगी हमारी इंशाल्लाह रियाद सिटी में। सऊदी के सारे रास्ते में आपको एक चीज़ बहुत नज़र आएगी, गाड़ियाँ साइड पर खड़ी हैं और लोग नमाज अदा करने के लिए रुके, और मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो आपको नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी नेक्स्ट पेट्रोल पंप पर रुककर नमाज अदा की, लेकिन ये लोग क्योंकि यहाँ के रिहायशी हैं और इन लोगों को पता है कि किस तरफ किबला और कैसे तमीम और सब चीज़ें इनके पास रेडी होती हैं, वुज़ू का सब कुछ इनके पास होता है, इसलिए ये रुक के नमाज अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आलमोस्ट 8 बजे के करीब रियाद शहर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने कोई होटल बुकिंग नहीं की हुई क्योंकि रोड साइड पर आपको बहुत सारे होटल्स मिलते हैं। रियाद का ये रोड है ना, मैं इसकी लोकेशन डाल दूँगा, इसमें सब जो से ना रहने वाले होटल्स हैं, सब बहुत सारे इधर होटल ही होटल है, जिसमें दो दो कमरे तीन तीन कमरे हैं, और ये इसकी लोकेशन मैं डाल दूँगा, बेहतरीन हो जाएगा। मतलब अगर आप रियाद तक मेन रोड पे, हम लोग ये 3-4 बड़े बड़े यहाँ पे हैं दुकानें, इनमें से किसी से खाना ले लेते हैं। 6 कमरे मिल जाते हैं 200-300 में। ये देखिए कमरा, देखिए सर आपको मैं कमरा दिखाता हूँ। तो जी यहाँ पे आपको देखें एंट्रेंस के बाद मिलता है ये एक छोटा सा किचन बना हुआ है, जिसमें ओवन, फ्रिज, हत्ता के चूल्हा तक अवेलेबल होता है, वो सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। देखें बेहतरीन एरिया ये वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक छोटा सा टीवी लॉन्च। अभी सब कुछ जो है ना आपको 300-350 में मिलता है। देखिए टीवी लॉन्च है, और यहाँ पे 2 बेड लगे हुए, ये भी एक कमरा है इसके अंदर, ठीक है जी। और ये है इसका मास्टर बेडरूम, ये आप देखें इसका मास्टर बेडरूम है। और फिर यहाँ पे आपको मिलता है एक बाथरूम, तो मेरे ख्याल से 200 में बहुत ज़बरदस्त स्टील है। रियाद में एंटर होते सारे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, हैं मज़े की चीज़ें। तो आज रुकेंगे हम रियाद और कल अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रात को रुके थे रियाद, और अब रियाद से हम आगे जा रहे हैं ऑल द वे अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं क्योंकि सब होटल का सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से तकरीबन कुछ 6 घंटे का सफ़र है, बॉर्डर वगैरह पर ला के सब मान लें 6-6.5 घंटे लग जाते हैं। तो रियाद से नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑल द वे जाएंगे इंशाल्लाह बैक टू दिल्ली। ये गाड़ी जो सी देखें इसकी हालत गुजारेगी, रेत हुई है फुल टाइम। सोचे अगर ये ना लगाए तो गाड़ी के असली पेंट को क्या हो, ये बहुत ज़रूरी है, इसने कितनी रेत को ऑब्जर्व किया हो। एक इशू है रियाद में, उनको अच्छा है सुबह नाश्ता बहुत तैयार, मैंडोर वगैरह भी 6 बजे खुलेगा, पता नहीं फॉर सम रीज़न उनके पास ब्रेक है। 24 सेक्शन जो उनसे 24 वाले वो दूसरे रोड पे, हालांकि इस रोड पर होने चाहिए, तो फलाफिल वगैरह और ये 2-3 चीज़ें यहीं से खा के नाश्ता करके निकल जाएंगे। रियाद सऊदी का सबसे डेवलप्ड सिटी कहलाता है, और ऑफ़ कोर्स इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो न्यूली बिल्ड है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप रियाद के सेंटर से ज़रूर गुजर के जाएं, आपको रियाद में काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें नजर आएंगी। वैसे पहली दफ़ा से वो कि मैं मैकडोनल्ड पे आया हूँ, वहाँ पे कॉफ़ी नहीं है। रियाद में ये भी होता है, पेट्रोल तो छोड़ो, कॉफ़ी के भी ला लें इधर। दो सैंड कलर आने वाले हैं, एक में हम रेड पे जा रहे हैं जिस वक्त हमारे साथ है, और आगे जाएंगे तो थोड़ी गहरी सैंड हो जाएगी। मैप में ये शो हो रहा है कदर 302। स्पेशल अफूब में ब्रेक मारनी पड़ गई है क्योंकि अलबेग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो अलबेग लेके जाना पड़ेगा और वो खुलने 10 बजे, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी फाइनली मेरे लिए अलबेग की ब्रांच मिल गई है, और देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो बंदे तो वो बोर्ड बना रहे हैं अंदर, तो मैं खुला हुआ अलबेग। तो सलमा बॉर्डर हफूफ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आलमोस्ट 30-40 मिनट का सफ़र है। वेलकम टू सलमा पोर्ट। Welcome to State of Qatar. तो गाइस ये था हमारा अब तक का ब्लॉग फ्रॉम कतर टू सऊदी अरेबिया टू कतर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात, अल्लाह पाक ने उम्रे की सआदत दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और अब ऑन द वे बैक टू पवेलियन, तो इंशाल्लाह दोबारा किसी और जगह पे आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजम आउट, वेलकम टू कतर। हां जी साहब, क्या हाल आपका? स्पेशल देख, सऊदी से मैं तेरे लिए बड़ी जबरदस्त चीज लेके आया हूं। हां देख, चेक कर ये अलबेग, देख के इसकी शक्ल देखे कैसी हुई है। स्पेशल तेरे लिए सऊदी से लेके आया हूं, चेक। क्या बात है, मेरे खाने अंदर लेके जाना, अंदर लेके जाने जरूरत नहीं है। चेक कर, ओरिजिनल अलबेग, कतर वाला नहीं है, ओरिजिनल अलबेग, सऊदी मेड। चेक कर स्टिकर। क्या बात है, तूने खुद तो नहीं बनवाया? पूरा डब्बा मेरा, पूरा डब्बा तेरा।